बोले पिताजी राम राम। अरे भैया ये पता चला है मानो जलती हुई आग में किसी ने घी को छोड़ दिया हो। बोले अभागे तू मरा नहीं। बोले मरेंगे कैसे। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा क्या करे। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। तो आप लोगों को एक बात बता दें, इस होलिका का नाम पहले होलिका नहीं था ना, इसका नाम था पहले ढूंढा। ये नरसिंह पुराण का प्रमाण है। जब ये जल गई है ना तब इसका नाम होलिका पड़ा। होलिका के पास एक शीतला चीर है और आप लोगों को बता दें शीतला चीर की एक तासीर है, ओढ़ करके अगर अग्नि में बैठ जाती है तो अग्नि उसे जला नहीं पाती है। आपको बता दें कि होलिका को ये शीतला चीर कहां से प्राप्त हुआ, इसका विवाह किसके साथ में हुआ। होलिका ने एक प्रण किया था, हम अपनी शादी उसके साथ में करेंगे जो हमारे भैया हिरण्यकश्यप को युद्ध में हरा देगा। एक राजा हुए जिनका नाम था विप्रचिति, जिन्हें भ्रमाच्छ भी कहते हैं। उन्होंने एक दिन होलिका को देखा तो बोले हम आपको पसंद करते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। होलिका ने कहा महाराज शादी तो मैं कर लूंगी, एक शर्त है हमारी। बोले बताओ। आप अगर हमारे भैया हिरण्यकश्यप को युद्ध में हरा दो तो हम आपके साथ में अपना विवाह कर लेंगे। मेरी माताओं बहनों भाइयों, हिरण्यकश्यप के पास में पहुंचे और विप्रचिति ने कहा हिरण्यकश्यप सिंहासन से नीच के उतर के आओ, आप हमारे साथ में युद्ध करो। अच्छा जिसको ये पता हो कि दुनिया में मुझे कोई मार ही नहीं सकता भला उसे करने की क्या जरूरत है। और फिर हिरण्यकश्यप को तो किसी की ललकार ही बर्दाश्त नहीं थी। इधर से हिरण्यकश्यप दौड़ा, उधर से विप्रचिति दौड़े, दोनों में युद्ध छिड़ गया। परिणाम युद्ध का यह हुआ कि महाराज विप्रचिति ने हिरण्यकश्यप को युद्ध में हरा दिया। मजबूर होकर के अपनी बहन की शादी और विप्रचिति के साथ कर दिया। कथा श्रोताओं सुखदेव जी महाराज